इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 6 दिसंबर से खेली जानी है और इस सीरीज को लेकर अभी से जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया कोच जस्टिन लैंगर ने अपनी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि हम सबको पहले से कहीं ज़्यादा एक साथ चलने का आवश्यकता है। जस्टिन ने कहा कि ना सिर्फ हम दुनिया में नंबर एक टीम होने के नाते बल्कि मूल्य में भी ऊँचे हैं, इसलिए ये सही वक्त है कि हम लोगों को पहले से कहीं ज़्यादा एकजुट दिखने की ज़रूरत है। जस्टिन ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के बैन के बाद से काफ़ी प्रदर्शन में डाउन आ गई है। बता दें कि बॉल टेम्परिंग विवाद में फंसने के कारण ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी जो सजा भुगतानी पड़ी थी और उन पर 12-12 महीने का बैन लगा था, तभी से स्मिथ, वार्नर और बैंकक्रॉफ्ट बाहर हैं। इससे पहले भी लैंगर ने कहा था कि हमारे पास काफ़ी अच्छे ऑस्ट्रेलियाई टीम है, ये वो टीम नहीं है जिसमें सिर्फ पूर्वी भाग के लोग हैं जहां क्रिकेट को ज़्यादा पसंद किया जाता है, ये ऑस्ट्रेलियाई टीम है। हम यहां पूरे ऑस्ट्रेलियाई को गर्व महसूस कराने के लिए ही मैदान में उतर रहे हैं। लैंगर ने कहा कि हम ना सिर्फ अच्छे खिलाड़ी बनाते हैं बल्कि एक अच्छी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भी बनाते हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चल सके। अगर हम ऐसा कर पाए तो मैं समझूंगा कि हम अपना लक्ष्य में सफल रहे। बहरहाल ऑस्ट्रेलियाई कोच के इस बयान के बाद ये देखना दिलचस्प रहेगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई कैसा प्रदर्शन दिखाती है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट डेस्क से गौरव की रिपोर्ट।